बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमोह के बाजार में एक सराफा व्यापारी के साथ दो अज्ञात लोगों ने पैर पर गोली मारकर लूट कर ली, जहां घायल व्यापारी को बिरसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वही स्थिति बिगड़ते देख बालाघाट जिला अस्पताल में भी प्राथमिक उपचार के बाद पुनः व्यापारी को गोंदिया रेफर कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार बताया गया है कि रविवार देर शाम बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अजगरा और मानेगांव के बीच अज्ञात लोगों ने सोने चांदी के कारोबारी पर गोली चला दी। लूट की नियत से की गई इस वारदात में कारोबारी की जांघ में गोली फंस गई है। घटना रविवार शाम 6:30 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मानेगांव निवासी भोलेश्वर पिता धनीराम सोनेकर रविवार शाम को अपने 15 वर्षीय भतीजे के साथ बाइक से दमोह बाजार में अपने गांव मानेगांव लौट रहे थे, तभी अजगरा और मानेगांव के बीच तालाब के पास बाइक से आए दो अज्ञात लोगों ने भोलेश्वर का रास्ता रोका और कनपट्टी पर बंदूक टिकाकर पास में रखे सोने चांदी के जेवर और रुपए मांगने लगे। विरोध करने पर अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। जुमा झटकी के बीच गोली चल गई जो सीधे भोलेश्वर की जांघ में जा धसी। इसके बाद वह फरार हो गए। बताया गया कि अज्ञात लोगों ने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। घायल के मित्र मंगल निषाद ने बताया कि बदमाशों ने भोलेश्वर के पास रखे करीब 10 किलो चांदी और 250 से 300 ग्राम सोने के जेवर लूटकर फरार हो गए। घायल को पहले बिरसा अस्पताल लाया गया, जहां से उसे 9:30 निजी कार से जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार और कोतवाली पुलिस के द्वारा घायल के बयान दर्ज कर भुवनेश्वर को तत्काल गोंदिया अस्पताल रेफर किया गया है। बिरसा पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या जिनके साथ एक्चुअली में क्या सोने चांदी के व्यापारी थे, हर सप्ताह की तरह से मतलब दमो मार्केट से आ रहे थे। तो अजगरा और मानेगांव के बीच में जो खेत पड़ता है तालाब के ऊपर, वहीं पे अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसको रोक कर गोली मारा गया है और इनके पास जो जेवर था वो भी लेके चले। क्या क्या रहा होगा इनके पास पे? इनके पास चांदी और सोने के जेवर। लगभग अनुमानित लागत कितनी? जैसा बताया कि 10 किलो का वो चांदी का और 250 से 300 ग्राम के बीच में सोने का जेवर। कितने लोग थे? दो लोग थे ऐसा बताया। कहाँ के हैं वो लोग? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि इधर के हों, लोकल छत्तीसगढ़ और MP का बॉर्डर से लगा हुआ है। अच्छा भैया, ये इसके पहले भी वहाँ कोई ऐसी घटना हुई है क्या? इससे पहले अभी कुछ दिन पहले 16 मई या कुछ तारीख को गोलीकांड अभी हुआ है दमोह और माटे के बीच में। अच्छा, उसी टाइप का पिस्तौल से हुआ है जैसा अभी जिससे मारा गया है। प्रथम दृष्टि क्या मंशा रही होगी, क्या लगता है ऐसा? एक लूट की दृष्टि से या फिर हो सकता है कि कोई और इनके साथ रंजिश रखता हो, व्यापार की दृष्टि से भी हो सकता है। सामान लूट के लेके चले गए? हाँ, सामान तो लेके पूरा चलेगा। गोली कहाँ लगी? गोली यहाँ जान पे क्या वो उसने बचाने की कोशिश की है, यहाँ पे टिकाए थे, चीना झपटी हुआ तो गोली यहाँ पे लगी। अकेले ही थे क्या और कोई नहीं? इनका भतीजा था जो साथ में था। क्या नाम भतीजे? उसका नाम तो मैं नहीं जानता। अच्छा, वो कैसे आए थे? वो लोग बाइक से थे। बाइक से आए थे।
कितने राउंड किए फायर किया सब? एक राउंड फायरिंग किया है, दूसरे में मतलब वो बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रहे थे पर उन्होंने नहीं। भतीजे साथ में था, क्या उम्र होगी भतीजे की? 15 साल लगभग। और इनकी उम्र कितनी भैया? ये अभी बीसा थाना क्षेत्र से एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति अस्पताल में आए थे, व्यवस्था को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए थे और उसको पैर में गोली लगी हुई है और बीसा थाने में इसकी जो है कार्रवाई चल रही है। सर कितने लोगों ने मारा कुछ बताया अभी? सर बातचीत में बताया है दो लोग आए थे मोटरसाइकिल पे, उसमें से व्यक्ति ने उसको गोली मारी, सामान भी लेके गए हैं ऐसा बताया है। और चूँकि ये बिस्तर थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ से रेफर होकर के अस्पताल आए थे, काफ़ी परिजन और समाज के लोग आए थे, हम लोग व्यवस्था में यहाँ पर आए हुए और यहाँ से भी इसको रेफर कर दिया है।